धन्यवाद माननीय, आपने रेल मंत्रालय के बजट पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। माननीय, आज जब मैं सदन में आ रहा था, बिहार के बहुत सारे लोग, नौजवान साथी घर पर मिलने आए और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। माननीय, 2019 में उन्होंने रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा निकाली गई परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, मुख्य परीक्षा प्राप्त पास कर ली, चिकित्सा की जांच पास कर ली और 2019 से लेकर आज तक 3 साल हो गए। माननीय, 8 से 10 हजार नौजवान ऐसे हैं जिनको नियुक्ति नहीं मिली, जिनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। यह बेरोजगारों के प्रति आपका रवैया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। और जब वो रेलवे भर्ती से पीड़ित नौजवान छात्र प्रयागराज में सड़कों पर उतरते हैं, पटना में सड़कों पर उतरते हैं, तो आप अपने ही देश की धरती पर उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, लाठियों से उनको पिटवाते हैं, घर में घुस घुस के उनको मरवाते हैं, पिटवाते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि वो दुश्मन देश के नागरिक हैं। ये इस देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और बेरोजगारों के प्रति आपका रवैया क्या है? हर जगह रेलवे में मानवत ठेका प्रथा घुसेड़ दिया गया, सफाई कर्मचारियों में ठेका प्रथा, स्टेशन के मेंटेनेंस में ठेका प्रथा, सिग्नल